ट्रॉफी के 11वें मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैच में पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 191 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद भारत ने 38 ओवर में 193 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की ओर से शिखर धवन ने 78 और विराट कोहली ने नाबाद 76 रन बनाए। वहीं युवराज सिंह ने भी 23 रन की शानदार पारी खेली। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 191 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने 53, डुप्लेसी ने 36 और हाशिम अमला ने 35 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि 3 बैट्समैन रन आउट हुए। साउथ अफ्रीकी टीम को क्विंटन डिकॉक और हाशिम अमला ने शानदार ओपनिंग दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 बॉल पर 76 रन जोड़े। टीम को पहला झटका 17वें ओवर में आर अश्विन ने दिया, जब उनकी बॉल पर हाशिम अमला 35 रन बनाकर धोनी को कैच दे बैठे। टीम का दूसरा विकेट क्विंटन डिकॉक का रहा, जो 53 रन बनाकर आउट हुए। अफ्रीकी टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 191 पर सिमट गई। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।